हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हरियाणा का वो गैंगस्टर किसी की हत्या करने गया था, लेकिन सही समय पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर राहुल जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ था। गैंग के सदस्यों ने ही उसे हत्या के इरादे से बुलाया था। आरोपित से दो पिस्टल मिली है जो मुंगेर यानी कि बिहार में बनी बताई जा रही है। डीसीपी निमेश अग्रवाल के मुताबिक सूचना मिली थी कि राहुल पुत्र राजवीर सिंह जाट जो कि निदाना थाना महम रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, इंदौर में घूम रहा है और वो बड़ी वारदात के फिराक में है। पुलिस ने देर रात छापा मारकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी ली गई तो दो पिस्टल, दो मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में बताया कि उसे कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्यों ने हत्या करने के लिए बुलाया था। दुर्लभ की 2 साल पहले उज्जैन में हत्या हो चुकी है। हरियाणा के गैंगस्टर राहुल को किराए के मकान में रुकवाया गया था। एडिशनल डीसीपी गुरुप्रसाद पाराशर के मुताबिक उसके पास से जो दो पिस्टल मिली है वो मुंगेर में बनी बताई जा रही है। आरोपित के खिलाफ धमकी, हत्या, जानलेवा हमला और अड़ीबाजी के कई मामले दर्ज है। फिलहाल वो दिल्ली, रोहतक और सोनीपत से फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में 20,000 और सोनीपत में जानलेवा हमला करने के मामले में 5,000 रुपए का इनाम भी इस बदमाश पर घोषित कर रखा है। आरोपित गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से भी जुड़ा और इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ आए दिन तस्वीरें भी डालता है। उसकी गिरफ्तारी की दिल्ली और हरियाणा पुलिस को सूचना दे दी गई है।